हेलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। नमस्कार, मैं वर्णिका आपको स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किन ड्रिंक्स के सेवन से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। क्रिएटिनिन ब्लड केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट है। जब आप अपनी मसल का यूज़ करते हो तो आपका ब्लड स्ट्रीम क्रिएटिनिन को किडनीज तक पहुंचाता है, जहां आपकी बॉडी यूरिन को बाहर निकालती है। लेकिन अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे आपको यूरेमिया हो सकता है। आपकी बॉडी को ठीक से काम करने के लिए प्योर ब्लड की ज़रूरत होती है। हेल्दी ड्रिंक्स में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन किडनी डिजीज़ में ज़रूरी है कि डाइट में ऐसे ड्रिंक्स शामिल किए जाएं जिनमें सोडियम और पोटाशियम कम हो और न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो। सही ड्रिंक्स की चॉइस करना आपके पोटाशियम लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। अब हम आपको कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो किडनी डिजीज़ से बचाव करेंगे और किडनी पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल भी रहेंगे। साथ ही ये आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है एप्पल जूस। एप्पल जूस के अंदर फाइबर और एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं। 100 ग्राम एप्पल में 1 मिलीग्राम सोडियम, 107 मिलीग्राम पोटाशियम और 10 मिलीग्राम फॉस्फरस होता है, जो कि हमारी किडनी के लिए बेनिफिशियल है। एप्पल जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करने, किडनी की बीमारी को रोकने, हार्ट डिजीज़ से बचने और कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है। ये हमारी किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। सेकेंड है क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किडनी डिजीज़ दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इन सो फ्रूट्स जूस में 8 प्रो एंथोसाइडेंट्स होते हैं, जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया को यूरिनरी पाइप की लेयर को क्रॉस करने से रोकते हैं और साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। 165 ग्राम क्रैनबेरी में 2 मिलीग्राम सोडियम, 180 मिलीग्राम पोटाशियम और 13 मिलीग्राम फॉस्फरस होता है। थर्ड है ब्लूबेरी जूस। इनके अंदर अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के सबसे अच्छे सोर्सेस में से एक है। इनके अंदर एंथोसाइनेन होता है, जो कि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। ये हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज से बचने में हेल्प करते हैं। ये किडनी फ्रेंडली ड्रिंक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फरस काफ़ी कम अमाउंट में होता है। 148 ग्राम ब्लूबेरी में 1.5 मिलीग्राम सोडियम, 114 मिलीग्राम पोटाशियम और 18 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है। लास्ट है रेड ग्रेप्स जूस। ये किडनी फ्रेंडली ड्रिंक है। ये ना ही केवल टेस्टी होते हैं, बल्कि इनमें हाई विटामिन सी और अच्छी क्वांटिटी में फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड को जमने यानी क्लॉट होने से रोकते हैं। रिजर्वोटोल एक फ्लेवोनॉइड होता है जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ स्वेलिंग को भी कम करने में हेल्प करता है। 75 ग्राम रेड ग्रेप्स में 1.5 मिलीग्राम सोडियम, 144 मिलीग्राम पोटाशियम और 15 मिलीग्राम फॉस्फरस होता है। ये हमारी किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और उसे क्लीन भी रखता है। अब हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल तरीके बताएंगे जिनको यूज़ करके आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है फाइबर का सेवन ज़्यादा करें। एक रिसर्च में ये साबित किया गया है कि जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो फाइबर का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनका क्रिएटिनिन कम हो जाता है। फाइबर कई फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स। सेकेंड पॉइंट है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको कितनी क्वांटिटी में लिक्विड का सेवन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए जिन्हें किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स लिक्विड का सेवन भी डॉक्टर की निगरानी में ही करें। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज़ ना करें। क्रिएटिन आपकी किडनी में नेचुरल कंपाउंड है। यह आपकी मसल्स में होता है और इसका यूज़ आप अपनी एनर्जी में करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके मसल्स में वेस्ट मटेरियल को पहुंचा देता है। इसलिए अगर आप अपने क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं तो क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से बचें। लास्ट पॉइंट है हाई वेट एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा हाई वेट एक्सरसाइज से आपका क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मसल मेटाबॉलिज्म ही क्रिएटिनिन बनाती है और मसल पर ज़्यादा प्रेशर इसके लेवल को इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कितनी और कैसी एक्सरसाइज की जाए जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताया जिससे आप अपना क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम अगली बार से वीडियो बना सकें। या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या बीमारी है। तो संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कर्मा आयुर्वेदा के साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205001 4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।